राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री तथा ब्यावर जिला मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि दुनिया में माँ से बढ़कर दूसरा कोई शब्द नहीं है। माँ की स्मृति को संजोए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कुछ न कुछ आवश्यक करना चाहिए, ताकि उनकी दुनिया से चले जाने के बाद भी बरसों बरस उनकी यादें बनी रहे। जी हाँ, इसी कल्पना को लेकर राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में हरियाली तीज के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में करीब 1 करोड़ पौधे लगाकर प्रदेश को हरा भरा बनाया जाएगा। प्रभारी मंत्री खर्रा बुधवार को शहर के एसडी कॉलेज में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। मंत्री खर्रा ने कहा कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को जन्म देने से लेकर उनके युवा होने तक उनका जिस तरह से ख्याल रखती है, ठीक उसी तरह से हर मनुष्य को अपनी माँ की यादों को अमर बनाने के लिए एक पौधा लगाकर उसका तब तक संरक्षण करे जब तक कि वे पेड़ ना बन जावे। अपने संबोधन में मंत्री खर्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने उक्त अभियान के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा बनाने का बीड़ा उठाया है, ताकि विगत 7 वर्षों में जिस प्रकार प्रकृति का दोहन किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। कार्यक्रम के तहत मंत्री खर्रा ने एसडी कॉलेज परिसर में 11 फल व छायादार पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की। इससे पहले मंत्री खर्रा के एसडी कॉलेज पहुंचने पर विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, आयुक्त श्रवण राम, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह, एडीएम एलके बालोत, एसडीएम नरेंद्र बुड़ानिया सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगुवानी करते हुए स्वागत किया। इसी क्रम में विधायक रावत, जवादा प्रधान गणपत सिंह रावत तथा जिले के प्रभारी सचिव विश्राम मीणा का भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उधर पौधारोपण के दौरान उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के जयकारे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शंकर सिंह रावत ने प्रभारी मंत्री खर्रा के समक्ष शहर की विभिन्न समस्याओं का जिक्र करते हुए उनके समाधान में अपनी अहम भूमिका निभाने का आग्रह भी किया। अपने संबोधन में विधायक रावत ने कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को चेताया कि राज्य की भाजपा सरकार को केवल काम चाहिए, आंकड़े नहीं चाहिए। अतः सभी से आग्रह है कि टाल मटोल के रवैये को छोड़कर जनता के कामों को प्राथमिकता देकर उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद सभापति ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत परिषद प्रशासन का स्थानीय प्रशासन को भरपूर सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता होगी परिषद प्रशासन वहाँ पर तत्परता से सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से ग्रीन ब्यावर के सपने को साकार करने में अपना सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विभाग, राजस्थान स्काउट गाइड, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, नगर परिषद के पार्षद गणों सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा प्रभारी, शहर के विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। अभियान के तहत बुधवार को शहर के अन्य हिस्सों में भी विभागवार पौधारोपण किया गया। बुधवार को प्रभारी मंत्री खर्रा के ब्यावर आगमन पर शहर के कई संगठनों तथा लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो उद्घोषणा की है कि देश के सभी नागरिक एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर रखें, उसके पीछे उनका भाव ये है कि हम 130 करोड़ 35 करोड़ जितने भी नागरिक हैं सबकी या तो माँ आज की तारीख में इस धरती पर है या इस धरती से ऊपर जा चुकी है, लेकिन माँ सबकी रही है। इसलिए सब अपनी अपनी माता के नाम अगर एक पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने के बाद जिस प्रकार बाल्यकाल में उनकी माताजी ने उनका जिस प्रकार लालन पोषण किया, पालन पोषण किया, घुटनों के बल चलना सिखाया, फिर पैरों पर खड़ा होना सिखाया, फिर पैरों पर चलना सिखाया, वैसे ही वो लगातार वो पेड़ जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए, मतलब वो सक्षम नहीं हो जाए प्रकृति के हर झंझावत को झेलने लायक, तब तक वो उसकी देखरेख करते रहें, उसका पालन पोषण करते रहें, ताकि आने वाले वर्षों में इतने पेड़ इस धरती पर लग जाएं कि पिछले 60 साल में हमने प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया है उसकी भरपाई हम आने वाले 4-5 साल में पूरी करेंगे। सर, आज ब्यावर जिला स्थापना दिवस है, प्रथम वर्ष हुआ है सर आज का साथ। स्थापना दिवस की जिले के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माँ से बढ़कर फिर दूसरा कोई शब्द दुनिया में होता नहीं है, इसलिए बाकी बातें गौण थी, इसीलिए हमने सिर्फ माता की।